नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में जो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है आने वाले 5 से 10 साल में। मतलब वैसा मल्टी बैगर रिटर्न जैसा कि आप चाहते हैं हमारे वीडियो में, जो हम आपको बताते हैं कि पीछे जो बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि 20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे करोड़ों रुपये का रिटर्न दिया है, तो वैसे ही स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको भी अपना रिसर्च करना है, फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लेनी है, फिर जाकर के इन्वेस्ट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये देख सकते हैं ये स्टॉक्स काफी बेहतरीन है और अभी काफी हाई प्राइस पे भी चल रहा है। अभी करंट प्राइस का देखते हैं 5,690 रुपीज है और ये स्टॉक्स जो है देख सकते हैं कि काफी तेजी इसमें देखने मिल रहा है। यहां से आप देख सकते हैं ये पिछले अगस्त 2019 से अभी तक में 193% का रिटर्न दे चुका है। इस स्टॉक्स में इतनी तेजी क्यों है? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्टॉक्स है। आगे आने वाला समय ऐसा बोला जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी बूम आने वाला है, तो इसलिए आप देख सकते हैं इसमें इतनी तेजी देखने आपको मिल रही है। तो आप डिक्सन टेक्नोलॉजी में जैसे करेक्शन आता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि अभी देख सकते हैं प्राइस काफ़ी हाई हो चुका है, तो आप इसमें वेट एंड वॉच करें। जैसे करेक्शन पे आपको मिलता है कभी तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि इसका बैलेंस शीट जो है कैसा है, क्या कह रहा है बैलेंस शीट, मतलब आपको इसमें किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कंपनी के पास डेप्ट भी है। क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट जितना स्ट्रांग होगा, फंडामेंटल जितना स्ट्रांग होगा, मैनेजमेंट जितना स्ट्रांग होगा, तीनों चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं मार्च 20 तक अपडेटेड है, रिजर्व कंपनी के पास है 502 करोड़ का, तो और उसके बाद सिक्योर्ड लोन है 72 करोड़ का। यहाँ पर देखते हैं 72 करोड़ का सिक्योर्ड लोन, मतलब जो कि डेप्ट के रूप में है कंपनी के पास। लाइबिलिटी है कंपनी के पास 586 करोड़ का। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर कैश बैंक बैलेंस 97 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है कंपनी के पास। करेंट लाइबिलिटीज 823 करोड़ का और कंपनी का जो टोटल एसेट है 586 करोड़ का। कंपनी का बुक वैल्यू यहां पर देख सकते हैं लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो ये था कंपनी का इंफॉर्मेशन कि 72 करोड़ का डेप्ट है। आपको इसके बिजनेस को देख लेना है, ये कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, उसका आगे आने वाला डिमांड कैसा है, तो इन सारे चीज़ को आपको रिसर्च करना है, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टॉक है हमारा रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। दोस्तों ये भी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये भी एक देखिएगा आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। देख सकते हैं यहाँ से आप इसका रिटर्न देखेंगे तो 4,866% का रिटर्न, उससे भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन देखने मिल रहा है, नहीं तो ये स्टॉक्स बहुत ही कम करेक्ट हुआ है, बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब इसमें करेक्शन देखने मिला है। तो आप रिलैक्सो फुटवेयर में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी करेक्शन पे मिल रहा है, तो आप चाहे तो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा करेक्शन पे ये स्टॉक्स मिल रहा है। तो पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, फिर जैसे करेक्शन आता है तो और लगा सकते हैं, तो वैसे जैसे जैसे करेक्शन आता है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, ये इंडिया में बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है ये। और यहाँ से देख सकते हैं इसका बैलेंस शीट, रिजर्व है कंपनी के पास 1,247 करोड़ का, रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है। डेप्ट कंपनी के ऊपर 166 करोड़ का सिक्योर्ड लोन है। उसके बाद हम कैश और बैंक बैलेंस देखते हैं कंपनी का, कैश और बैंक बैलेंस 172 करोड़ का है, तो कंपनी के पास जो है कैश और बैंक बैलेंस वो 400 करोड़ का, सॉरी ये संडी डिबेटर्स है 172 करोड़ का, कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास 4 करोड़ का है। उसके बाद टोटल एसेट देखते हैं 1,438 करोड़ का। बुक वैल्यू कंपनी का यहाँ पर डिक्रीज हुआ है पिछला जो हमारा 2020 है इसमें, और पहले काफ़ी ज़्यादा था बुक वैल्यू, तो इधर कंपनी का बुक वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है मार्च 20 में, पहले मार्च 90 तक बुक वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हो रहा था। ऐसे ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अपना खुद का रिसर्च भी करनी चाहिए। उसके बाद हमारा अतुल लिमिटेड तीसरा स्टॉक है हमारा अतुल लिमिटेड। ये भी स्टॉक सभी देखते हैं काफ़ी हाई प्राइस पे 4,496 रुपीज़ आज ये अप है, तो इसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने मिल रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट देखिएगा तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया इन्वेस्टर को, देख सकते हैं कुल 20,000% का, तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन ये भी एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। अब ही बात करें तो सिक्स मंथ में देखते हैं काफ़ी इसमें गिरावट आया था, उसके बाद यहां से
स्टॉक काफ़ी तेज़ी से रिकवर किया। उससे पहले ये स्टॉक 5000 का हुआ करता था, देखते 5358 वहाँ से काफ़ी करेक्शन आया था 3500 तक, और ये 3500 के प्राइस से फिर इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिला और वहाँ से ये स्टॉक इतना परसेंट का रिटर्न दे चुका है। तो देख लीजिए, तो यहाँ से जो स्टॉक है अपने गिरावट से यहाँ से स्टॉक 28% का रिटर्न दे चुका है। तो समझ सकते हैं अतुल लिमिटेड काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। उसके बाद हम बैलेंस शीट पर चलते हैं। तो कंपनी का बैलेंस शीट मार्च 20 तक अपडेटेड है। कंपनी के पास कुल जो रिजर्व है देखते हैं 15000 करोड़ का, काफ़ी बड़ा रिजर्व है कंपनी के पास 15000 करोड़, और ये रिजर्व है इसी बार इंक्रीज हुआ है देख सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी में इतना ज़्यादा मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है, कोई डेप्ट नहीं कंपनी के पास। तो कंपनी के पास कोई डेप्ट भी नहीं है, लाइबिलिटीज जो है वो रिजर्व के रूप में है। उसके बाद कंपनी के ऊपर देख सकते हैं कैश और बैंक बैलेंस 43 करोड़ का रिजर्व भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है। तो जिस कंपनी के पास रिजर्व होता है वो आपको बोनस भी दे सकती है, तो याद रखिएगा ऐसी कंपनी आपको बोनस शेयर भी ला सकती है। उसके बाद बुक वैल्यू देखिएगा, कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हुआ है मार्च 20 में, 1000 करोड़ का बुक वैल्यू कंपनी का हो चुका है। उसके बाद अगला है हमारा नवीन फ्लोरिन लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन चौथा शेयर। इस कंपनी का भी लॉन्ग टर्म चार्ट आप देखेंगे तो कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है देखते हैं इन्वेस्टर को, 2369% का। तो ये भी कंपनी अभी जो है पीछे एक साल से काफ़ी इसमें तेज़ी देखने मिली है, एक साल से देख सकते हैं इस कंपनी में भी काफ़ी तेज़ी आई है, 175% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। तो समझ सकते हैं स्मॉल कैप जितना बेहतरीन रिटर्न देता है उतना ज़्यादा करेक्शन भी आ सकता है, इसलिए आप वैसे ही स्टॉक चुने जो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जिसके बिजनेस में भी आगे ग्रोथ हो। अब इसके बैलेंस शीट की हम बात करते हैं, अभी आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा वेट करें। अभी जो करेंट प्राइस है 1593, इसमें करेक्शन जब आया था देख सकते हैं ये करेक्शन का प्राइस था 1080 रुपीज़, मतलब करेक्शन के बाद ये तेज़ी से अपने प्राइस को फिर से रिकवर कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट मार्च 20 तक इसका अपडेटेड है और यहाँ पर देखते हैं रिजर्व कंपनी के पास है 1379 करोड़ का, और कंपनी के पास कोई भी डेप्ट नहीं है, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। तो जो भी कंपनियाँ देख सकते हैं बिल्कुल डेप्ट फ्री होती है, जिसके बिजनेस में ग्रोथ होता है उस कंपनी के स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, मतलब उस कंपनी के स्टॉक में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने मिलता है। अब कंपनी का बुक वैल्यू देख लेते हैं, तो कंपनी का बुक वैल्यू देख सकते हैं 280 पिछले साल से काफ़ी अधिक है, और उससे भी पिछले साल से काफ़ी अधिक है, मतलब दो साल में काफ़ी अधिक हुआ है, लेकिन उससे जो पहले था कंपनी का बुक वैल्यू और भी ज़्यादा था। तो कंपनी के बुक वैल्यू में भी लगातार उतार चढ़ाव होते रहा है। उसके बाद पांचवा शेयर है हमारा रेडिको खैतान। दोस्तों देखते हैं रेडिको खैतान, इसका भी चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये इन्वेस्टर को भी अच्छा रिटर्न दिया है देखते हैं बीच बीच में, लेकिन इसमें काफ़ी करेक्शन भी होते रहा है। अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 5000% का। तो ये भी स्टॉक्स अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, आप इसमें भी चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेडिको खैतान का बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो कंपनी के बैलेंस शीट में कितना डेप्ट है, ये रिजर्व देखते हैं कंपनी के पास 1493 करोड़, मतलब 15 करोड़ के आसपास है। और वहीं पर हम बात करें टोटल डेप्ट कंपनी के पास 398 करोड़ का है, और टोटल लाइबिलिटीज़ जो है कंपनी के पास, मतलब टोटल जो डेप्ट हो गया प्लस जो रिजर्व हो गया सारी लाइबिलिटीज़ है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 155 करोड़ का कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी है, कैश एंड बैंक बैलेंस 18 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है। कंपनी का बुक वैल्यू 113 है, देखते हैं इस कंपनी का भी बुक वैल्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, आप इसमें भी चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको अपना खुद का रिसर्च करना है कि कौन से स्टॉक में करना है, साथ ही साथ ये पांचों स्टॉक अलग अलग सेक्टर से थे, ये पांचों स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से थे। तो हमने सेक्टर को भी डिस्कस किया कि आगे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, रियलिटी सेक्टर है, ये सब सेक्टर में आगे बूम आ सकती है। तो आपको अलग अलग सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स को पिक करना है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।